कंपैरिजन ऑफ एसी सर्किट एलिमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये वाला एनसीईआरटी के, जिसमें वो कहेगा कि फ्रीक्वेंसी का और रेजिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी? देखो आर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं ओमेगा से, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। एक्स एल जो होता है वो क्या होता है, एल ओमेगा। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स एल भी बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन। और एक्स सी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स सी कम होगा, तो एक्स सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये ग्राफ आपने याद रखना है। दूसरा आपने ये समझना है कि ये ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं सीरीज एलसीआर में। हमने किया भी क्या सीरीज एलसीआर, तो सीरीज एलसीआर में करंट का ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया फ्रीक्वेंसी के साथ। इस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या आएगा, मैक्सिमम, ये भी डिस्कस किया। जब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो इस पीक पे एक्स एल किसके इक्वल है, एक्स सी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर, पीक वैल्यू पर एक्स एल किसके इक्वल है, एक्स सी। क्लियर है यहां तक? यही थी रेजोनेंस। एक बात बताओ कि अगर फ्रीक्वेंसी लो है, कम है, तो अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो एक्स सी क्या होता है, वन बाय सी ओमेगा। अगर ओमेगा लो है तो एक्स सी ज्यादा है। और एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा। अगर ओमेगा लो है तो एक्स एल कम है। तो सही है ना, इस रीजन में जब फ्रीक्वेंसी लो है तो एक्स सी बड़ा है और एक्स एल छोटा है, सही है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी हाई की तरफ लेके जाते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो एक्स इसकी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बढ़ जाता है तो एक्स एल भी बढ़ जाता है, तो एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, ये एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, ये एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी। कोई डाउट इसमें? तो रीजन कैसे डिफाइन किए समझ में आ रहा है? इस रीजन में जब कैपेसिटर ज़्यादा डोमिनेट करता है इंडक्टेंस को, एक्स सी बड़ा एक्स एल से, तो ये जो सर्किट की इम्पिडेंस है वो क्या हो जाती है, कैपेसिटिव। कैपेसिटिव का मतलब कैपेसिटेंस का रोल इसमें ज़्यादा है। और अगर एक्स एल बड़ा एक्स सी से तो उसमें इंडक्टर का रोल ज़्यादा है, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्किट क्या हो जाता है, इंडक्टिव। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है?